मिट्टी के फ्रिज बनाने वाला। कैलाश एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। कैलाश मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करता था। उसके बेटे राजेश को भी मिट्टी से तरह तरह की चीजें बनाना पसंद था। कैलाश मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। वहीं राजेश भी मिट्टी से कई तरह के पक्षी, फूलदान और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाकर उन्हें गली गली बेचा करता था। इसी से उनके घर का खर्च चलता था। एक दिन जब राजेश मिट्टी से मूर्ति बना रहा होता है तो उसकी बहन बिंदु राजेश से कहती है, अरे वाह भैया, आपने तो मूर्ति सच में बहुत सुंदर बनाई है। और जरा इस चिड़िया को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि मानो असली की हो। देखना भैया, आज तो आपको इन सभी चीजों के बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। मैं इतनी मेहनत और पूरी लगन से ये मिट्टी की वस्तुएं बनाता हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे इनके अच्छे दाम नहीं मिल पाते। पूरे दिन में बस 500 रुपल्ली की कमाई हो पाती है। मुझे तो तेरी शादी की चिंता रहती है, इसीलिए तो मैं ज्यादा पैसे कमाने में लगा रहता हूँ, ताकि तेरी शादी करा के तुझे इस घर से जल्द रवाना कर दूं। यानी आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। तभी कैलाश बाजार से घर आता है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताओ बेटा, आज पूरे दिन में बस 3 ही मटके बिके हैं। ऐसा ही रहा तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बेचकर ज्यादा कुछ नहीं कमा पाता। समझ में नहीं आता कि क्या करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। अरे क्या करे बेटा, वक्त के साथ जमाना बहुत बदल गया है। लोगों को घर में इस्तेमाल की चीजें भी बढ़िया और सुंदर चाहिए, और वो भी कम दाम में। इसलिए कोई ये साधारण दिखने वाले मिट्टी के मटके और बर्तन खरीदना पसंद ही नहीं करता। पिताजी, तो क्यों ना आप भी भैया की तरह अपने मटकों को रंग बिरंगा बना दो, उन्हें भी रंगों से सुंदर बनाकर बाजार में बेचो तो। हाँ पिताजी, अगर बर्तन सुंदर दिखेंगे तो हर कोई उन्हें खरीदना पसंद करेगा। फिर अगले ही दिन से राजेश अपने पिता के बनाए हुए मटकों और बर्तनों को रंगों से सजाना शुरू कर देता है। तभी कैलाश की पत्नी मेघा कैलाश से कहती है, अजी आप दोनों बाप बेटे तो बस मिट्टी के बर्तन बनाने में लगे हुए हो। अरे कछु नहीं रखा इस काम में। मैं तो कहती हूँ ये सब काम छोड़कर कछु और काम देख लो। पर हमरी सुनता कान है, इन दोनों बाप बेटों को तो बस मिट्टी के बर्तन और खिलौने ही बनाने हैं। ओहो भाग्यवान, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें पता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा खानदानी काम है, और तुम्हारे बेटे को भी मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाना कितना पसंद है। अजय हम कुछ नहीं जानत, हमें तो बस घर चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, और बिंदु की भी तो शादी करनी है। अब आप ही बताओ, इतने समय सब कुछ हो पाएगा का? राजेश बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू ये मिट्टी के खेल खिलौने बनाना छोड़कर शहर में कुछ काम धंधा देख ले। जब देखो बेकार के मिट्टी के चिड़िया तोते बनाने में लगा रहता है। अरे माँ, तू क्यों चिंता करती है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, देखना हम दोनों बाप बेटे मिलकर कैसे मिट्टी के सुंदर बर्तन और खिलौने बेचते हैं। और माँ, तू जिन मिट्टी के खिलौनों को बेकार बता रही है ना, देखना एक दिन तू मेरी बनाई हुई मिट्टी की चीजों की बहुत तारीफ करेगी। फिर अगले ही दिन से राजेश भी अपने पिताजी के साथ बाजार में मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचने के लिए जाता है। राजेश बाजार में अपनी दुकान लगाता है और जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है, ले लो सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटके ले लो मिट्टी से बने खिलौने ले लो। तभी राजेश की दुकान पर मालती नाम की एक लड़की आती है। अरे वाह, ये मिट्टी के मटके और ये मिट्टी के रंग बिरंगी चिड़िया, तोते, फूलदान बहुत ही सुंदर है, ये सब आपने बनाए हैं? जी मैडम जी, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। सच में आप तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, आपकी बनाई हुई कलाकृतियां देखकर तो दिल खुश हो गया। आप इतनी अच्छी मूर्तियां मटके बनाते हैं, आपको तो मिट्टी से कलाकृतियां बनाने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। और पता है, उस प्रतियोगिता में जीतने वाले को बहुत बड़ी धनराशि भी मिलेगी। राजेश और कैलाश मालती की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। बेटा राजेश,
यही मौका है तेरे पास अपनी कला दिखाने का। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर तू ये साबित कर देना कि तू कितना बेहतरीन कलाकार है। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। वो क्या मैडम जी? यही कि तुम्हें इस प्रतियोगिता में कुछ ऐसा बनाना होगा जो कि सुंदर होने के साथ साथ उपयोगी भी हो, किफायती भी हो, और उसमें कुछ तो खास हो जिससे आम लोग और पैसे वाले अमीर लोग भी उसे खरीदना पसंद करें। राजेश मुस्कुराता हुआ कहता है, मैडम जी ऐसी चीज तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही है। अच्छा, तो जरा मुझे भी बताओ आखिर क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं ना मिट्टी से एक बेहतरीन फ्रिज बनाऊंगा जिसे आम लोग आसानी से खरीद सकेंगे। अरे वाह, आपने तो ऐसी चीज सोची है जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। फिर राजेश घर जाता है और प्रतियोगिता के लिए मिट्टी का फ्रिज तैयार करने लगता है। तभी उसके पिताजी कैलाश राजेश के पास आते हैं और उसे मिट्टी का फ्रिज बनाता देखकर उसे प्रोत्साहित करने लगते हैं। उसकी सोच की बहुत तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में राजेश मिट्टी का फ्रिज तैयार कर देता है और उसे प्रतियोगिता में ले जाता है। प्रतियोगिता में जज राजेश से कहते हैं, राजेश तुम्हारा फ्रिज दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, पर ये कुछ काम भी करता है या सिर्फ देखने लायक ही है? सर, ये फ्रिज जितना देखने में सुंदर है उससे कई ज्यादा ये अपने काम में भी बढ़िया है। अच्छा, तो फिर हमें इसकी खूबी बताओ। सर, एक तो ये मिट्टी का फ्रिज बिना बिजली से चलता है और आप इसमें फल सब्जियां काफी टाइम के लिए तरोताजा रख सकते हैं, और तो और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। अरे वाह, सच में राजेश आपका ये फ्रिज तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे आपका मिट्टी से फ्रिज बनाने का आइडिया बेहद पसंद आया, इसलिए आज के इस प्रतियोगिता के विनर आप हैं। प्रतियोगिता जीतने के बाद राजेश खुशी खुशी घर जाकर सभी को अपनी प्रतियोगिता जीतने की बात बताता है और प्रतियोगिता में जीती हुई सारी धनराशि अपनी माँ के हाथों में दे देता है। माँ इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, सच में बेटा आज तो हम बहुत खुश हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तेरे काम को बेकार बताया, पर आज मैं तेरे इसी काम की बहुत तारीफ करती हूँ। माफ तो नहीं कहोगी ना कि शहर जाकर कुछ और धंधा कर ले बिटवा? राजेश की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजेश अगले ही दिन से और भी मिट्टी के फ्रिज बनाने लगता है। कैलाश भी मिट्टी के फ्रिज बनाने में अपने बेटी की मदद करने लगता है और कुछ ही दिनों में काफी फ्रिज बन जाते हैं। फिर राजेश और कैलाश अपने मिट्टी के फ्रिज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। तभी मिट्टी का फ्रिज देखकर एक औरत राजेश की दुकान पर आती है। अरे तुम तो वही हो ना जिसने प्रतियोगिता जीती थी, मुझे भी ये फ्रिज चाहिए। फिर वो औरत राजेश से फ्रिज खरीद लेती है और उस फ्रिज के काफी अच्छे दाम राजेश को पकड़ाती है। देखते ही देखते राजेश की दुकान पर मिट्टी का फ्रिज खरीदने वालों की लाइन लग जाती है और जरा सी देर में मिट्टी के सारे फ्रिज बिक जाते हैं। राजेश और कैलाश इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कुछ ही दिन में उनके मिट्टी के फ्रिज का काम बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। थोड़े ही दिन में कैलाश का परिवार बहुत ही पैसे वाला हो जाता है और राजेश अपनी बहन की शादी बहुत ही अच्छे और बड़े घर में करा देता है।